न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ फाइल की चार्जशीट। राणा दंपति के वकील ने कोर्ट में फाइल किया एक्सेम्पशन। महाराष्ट्र MLC चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। पंकजा मुंडे को नहीं मिली जगह। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की इसकी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मुंबई की खार पुलिस ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ हनुमान चालीसा मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 353 और 34 के तहत चार्जशीट दायर की है। वहीं राणा दंपति को पुलिस ने नोटिस भेजा था और कहा था कि उनके खिलाफ IPC की धारा 353 और 34 के तहत दर्ज मामले की जाँच पूरी हो चुकी है। नोटिस में कहा गया था कि दोनों को बांद्रा कोर्ट में 11 बजे उपस्थित रहना होगा। वही राणा दंपति के वकील ने कोर्ट में एग्जेम्पशन फाइल किया है। इससे पूर्व निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ अमरावती में केस दर्ज हुआ था। नवनीत राणा के खिलाफ अमरावती में सड़क जाम करने को लेकर FIR दर्ज हुई है। जेल से छूटने के बाद पहली बार पिछले महीने अमरावती पहुंची थी। उनके खिलाफ सड़क पर मंच बनाकर देर रात लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत हुई थी। नवनीत राणा के 14 समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। अमरावती पुलिस के जारी किए गए बयान के मुताबिक अमरावती के 4 थानों में सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ यातायात बाधित करने, बिना अनुमति रैली निकालने और पुलिस आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में IPC की धारा 143, 341, 291 और 135 के तहत 4 मामले दर्ज किए गए थे। चुनाव आयोग ऐसी संभावनाएं तलाश रहा है जिसमें दूरस्थ राज्यों में रह रहे लोग भी अपने राज्य के चुनाव में मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग का ये प्रयास सार्थक हुआ तो आप देश के किसी भी कोने में हो मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि प्रवासी मतदाताओं के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें राजनीतिक दलों और मतदाताओं सहित सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद दूरस्थ मतदान की संभावनाएं तलाशना शामिल है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर उदासीनता को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और 500 से अधिक कर्मचारियों वाली कॉरपोरेट संस्थाओं को अवकाश लेने वाले लेकिन गैर मतदान कर्मचारियों का पता लगाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा। स्वराज्य के इतिहास में दूसरे सबसे धनी व्यक्ति छत्रपति संभाजी राजे एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल लेखक भी थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने विश्व स्तरीय पुस्तक बुधभूषण की रचना की। इस किताब को अमरावती से अजय लेंडे ने फिर से लिखा है। 124 किलो वजन की किताब आज सुबह बुल्डाना जिले के खामगांव पहुंची। ग्रंथ यात्रा खामगांव शहर के बाहर बाईपास पर पहुंची तो स्थान पर ग्रंथ सेवा संघ का जोरदार स्वागत हुआ। बुद्धभूषण किताब को अमरावती से अजय लेंडे ने फिर से लिखा है। इस संदर्भ में खामगांव शहर के मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाला गया। शिव प्रेमियों ने विभिन्न स्थानों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी पुस्तक का अवलोकन किया और उसका स्वागत किया। लगभग सभी इतिहासकारों ने छत्रपति संभाजी को दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बताया है। संभाजी राजे दुनिया की कई भाषाओं के जानकार थे। वे संस्कृत के भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने राजनीति और दर्शन पर आधारित बुद्धभूषण ग्रंथ लिखा। एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किलों की व्यवस्था, अधिकारियों के कर्तव्य और जीवन पर भाष्य पर बुद्धभूषण ग्रंथ एक दुर्लभ पुस्तक है क्योंकि देश की पहचान छत्रपति ने अपने लेखन में लिखी थी, इसलिए यह आस्था और सम्मान का विषय बन गया है। छत्रपति संभाजी महाराज जयंती उत्सव समिति अमरावती ने बिना भूत या भविष्य के 489 कलमों का उपयोग करके 124 किलो वजन में यह पुस्तक तैयार की है जो 3 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी है। उस अवसर पर अमरावती से सिंदखेड़ राजा तक बुद्धभूषणम ग्रंथ सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया था। छत्रपति संभाजी महाराजांनी वयाच्या 14व्या वर्षी श्री बुद्धभूषणम हा संस्कृत ग्रंथ लिहिला होता। हा संस्कृत मधील लिहिलेला बुद्धभूषणम हा राजनीतिक ग्रंथ आहे आणि ग्रामीण भागातल्या तरुणांना संभाजी महाराजांचं जेव्हा साहित्य समजलं, संभाजी महाराजांचं शौर्य समजलं, त्यामुळे बुद्धभूषण या ग्रंथाचं प्रचंड आकर्षण तरुणांमध्ये निर्माण झालं। परंतु
मूळ बुधभूषण हा ग्रंथ नष्ट झाल्यामुळं हा ग्रंथ कुठेही पाहायला उपलब्ध नव्हता, म्हणून मी या ग्रंथाची पुनर्लेखन करून निर्मिती केली। हा ग्रंथ 3 फूट रुंद 5 फूट लांब, याचं वजन तब्बल 124 किलो आहे आणि हा भारतातला सर्वात मोठा ग्रंथ मी निर्माण केलेला आहे। आणि हा ग्रंथ यापुढे जिजाऊ सृष्टी शिंदखेड राजा येथे सर्व शंभूप्रेमींना पाहायला उपलब्ध राहील। आणि जो मूळ ग्रंथ आपण निर्माण केले नसल्यामुळे हा ग्रंथ मूळ ऐतिहासिक स्वरूपातच निर्माण केलेला आहे। संभाजी महाराजांच्या काळात ज्या पद्धतीचा कागद आवश्यक होता त्या पद्धतीचा कागद आपण विशेष तयार करून घेतला, त्याच्यावर विशेष शाईनं 489 पेन वापरून याच्यावर हस्तलेखन केलेलं आहे आणि हा ग्रंथ आता शंभूप्रेमींना पाहण्यास उपलब्ध राहिलेला आहे। धन्यवाद। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीट पर होने वाले चुनाव के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इस लिस्ट में पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। इससे पहले इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बना सकती है। भाजपा की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उसने अपने उम्मीदवारों के रूप में प्रवीण यशवंत दारेकर, वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष के नेता रामशंकर शिंदे, पूर्व मंत्री श्रीकांत भारतीय, उमा गिरीश खापरे भाजपा की राज्य महिला शाखा के प्रमुख और प्रसाद मिनेश लाड को चुना है। विधान परिषद के सभापति रामराजे नायक निम्बालकर, राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते दोनों शिवसेना के, दारेकर प्रसाद लाड, मराठा नेता विनायक मेटे और पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बता दें कि राज्य विधानसभा के सदस्य इन चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल गठित करते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 288 सदस्य, निचले सदन में 106 विधायक है और पार्टी के पास ऊपरी सदन में अपने 4 उम्मीदवारों की आसान जीत के लिए पर्याप्त संख्या बल है। नागपुर में 5 पावली पुलिस थाना अंतर्गत 4 खंबा चौक पर MD और गांजा बेच रहे आरोपी को पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर छापा मार कर उनका पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पचपावली पुलिस थाना अंतर्गत रात में पेट्रोलिंग कर रहे DB पथक और DB पथक के इंचार्ज PSI अविनाश जायभाय और विजेंद्र यादव, इनको गोपनीय जानकारी मिली कि सनी वाकिया नामक युवक 4 खंबा चौक पर MD और गांजा बेच रहा है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और उसके पास से MD मेफेड्रोन पाउडर 4.60 ग्राम ऐसा कुल 10,000 का माल जब्त किया है। साथ ही गांजा 937 ग्राम कुल 15,000 का पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और एक आरोपी की जांच जारी है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया, साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस स्टेशन पाचपावली DB पथक आणि DB पथकाचे जे इंचार्ज आहेत PSI अविनाश जायभाय आणि विजेंद्र यादव यांचं पथक रात्री पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना गोपनीय माहिती मिळाली की एक सनी माखीजा नावाचा एक युसम आहे जो 4 खंबा चौक येथे MD आणि गांजा विकत आहे अशी गोपनीय माहिती मिळाली। त्यावरून सदर पथकाने त्याच्यावर रेड केली, त्याला ताब्यात घेतलं। त्याच्या ताब्यातून MD मेफेड्रोन पावडर 4.60 ग्रॅम किंमत 10,000 आणि हिरवट काळवट फळे असलेला ओलसर गांजा असा 15,000 रुपयाचा, त्याचा गांजा 937 ग्राम असा गांजा मिळून आलेला आहे। सदर आरोपीला अटक करून पंचनामा कारवाई करून अटक केलेली आहे। त्यांनी सांगितलं की त्याच्यासोबत जो होता इसम मकसूद नावाचा एक इसम होता जो सदर ठिकाणावरून पळून गेला होता, त्याला सुद्धा त्या गुन्ह्यामध्ये आरोपी करण्यात आलेला आहे। आरोपींना आज रोजी माननीय न्यायालयात हजर करून त्याचा पेसार मिळून नेमका हा गांजा आणि MD ड्रग्ज हे कुठून आणले आणि ते नेमका कोणाकोणाला सप्लाय करणार होते याबाबत पुढील तपास करीत आहोत। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। हाल ही में एक न्यूज चैनल ने एक डिबेट शो किया जिसमें बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा भी मौजूद थी। उनके साथ 3 अन्य गणमान्य व्यक्ति भी थे। चर्चा के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अत्यधिक विवादास्पद और आपत्तिजनक बयान दिए। इस आपत्तिजनक बयान की क्लिप के बाद पूरे राज्य के साथ साथ धुले में भी मुस्लिम बंधु आक्रामक हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने आज धुले जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया और किसी भी जाति धर्म के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री से पूछा गया कि देश और राज्य में कुछ सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर जातिगत सद्भाव, शांति, एकता, अखंडता, कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए और जातियों और धर्मों के बीच दरार डालने के लिए आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मीडिया में प्रचार पाने के लिए वे प्रेरितों या धर्म के व्यक्तियों के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद लोगों में आक्रोश है। जो लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, माहौल को गर्म करने वाले और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सरकार के सिरदर्द को उठाने वाले काम करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उल्टा देश की छवि धूमिल हुई है। ऐसे लोगों को स्थायी सबक सिखाने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने मांग की कि भाजपा की नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देश में शांतता खराब करने की उद्देश्य को लेकर नुपुर शर्मा और जिंदल नामक व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म के प्रेषित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे उद्गार बोले हैं जिससे पूरे भारत देश के मुस्लिम समाज के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई है, उनको संताप हुआ है। और यही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शासन ने कायदा तैयार करना चाहिए और ऐसे लोगों को शिक्षा होने के लिए, उनको अटक होने के लिए कायदे के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मंगलवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया। दरअसल प्राधिकरण ने 5 दिनों से भी कम समय में NH-53 राजमार्ग पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर लगातार सड़क निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच का मार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय पर पूरा हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने हाईवे की एक तस्वीर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी पोस्ट किया। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर लिखा है कि पूरे देश के लिए ये गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि हमारी असाधारण NHAI टीम को बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस उपलब्धि पर कंसल्टेंट्स एंड कंसेशनेयर राजपथ इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने बधाई दी। बता दें कि इस खंड का निर्माण निजी ठेकेदार राजपूत इंफ्राकॉम द्वारा किया गया था। अमरावती अकोला राजमार्ग का निर्माण शनिवार सुबह 6 बजे शुरू हुआ और मंगलवार को पूरा हुआ।
NH-53 राजमार्ग भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्र से होकर गुजरता है। ये कोलकाता, रायपुर, नागपुर, अकोला, धुले और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। इससे पहले रिकॉर्ड 27 फरवरी 2019 को कतर के लोक निर्माण प्राधिकरण ASHGHAL के पास था। वो सड़क अल खोर एक्सप्रेसवे का हिस्सा थी और इस कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगे थे। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 800 कर्मचारी और 700 मजदूर इसके निर्माण में शामिल थे। इससे पहले भी राजपूत इंफ्राकॉन ने 24 घंटे में सांगली और सतारा के बीच सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नुपुर शर्मा मामले में पुलिस द्वारा नुपुर शर्मा को 22 तारीख तक का समय दिया गया है। इस मामले में सरकार तत्काल कार्रवाई करे, हम सरकार से सहमत नहीं है, ऐसा कहते हुए मुमरा में अखिल भारतीय इमाम परिषद ने एक संवाददाता सम्मेलन में उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। नुपुर शर्मा के खिलाफ 22 तारीख तक ठोस कार्रवाई करे, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी चेतावनी भी दी। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपने विवादित बयान को लेकर विवादों में घिर गई है। उनके विवादित बयान के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। थाने मुमरा पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने शर्मा को 22 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया है। अखिल भारतीय इमाम परिषद ने आज मुमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अखिल भारतीय इमाम परिषद के पदाधिकारियों द्वारा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए दिए गए समय पर आपत्ति जताई है। नुपुर शर्मा को 22 या 15 दिन की अवधि क्यों दी जाती है? नुपुर शर्मा को तुरंत पुलिस कमिश्नर या DIG द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें पुलिस के प्रदर्शन पर कोई आपत्ति नहीं है और हमें उन्हें गिरफ्तारी के लिए दिए गए समय पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आरोपी भागने या गिरफ्तारी से सुरक्षा पाने के लिए अलग अलग तरीके खोजने की कोशिश कर सकता है। साथ ही कई लोग सोशल मीडिया के जरिए आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। यह देश का अपमान है, यह हमारी धरती का ही अपमान नहीं है, देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा जैसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण पद के प्रभारी व्यक्ति पर कलंक है, यह आरोप भी उन्होंने किया। मुमरा पुलिस के साथ में मुल्क भर की पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि जरा उसको सेंसिटिव लेकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाए। नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे हालात पैदा होंगे। अगला कदम बिल्कुल वाजे है कि हम तमाम NGOs को लेकर, तमाम पार्टीज को लेकर के, यहाँ से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक का पैदल मार्च करेंगे लाखों की तादाद में इंशाल्लाह। और जब तक कि उसके खिलाफ यकीनी कार्रवाई का सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश नहीं मिलता है, उस वक्त तक के हम अपने धरने पे एहतजाज पे बैठे रहेंगे। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम तमाम मसालिक के उलमा के भी शुक्रगुजार हैं, वहदत इस्लामी से मुश्ताक बेग साहब और PFI के जनाब अब्दुल मतीन शेखानी साहब और इस्लामिक यूथ और भी दीगर तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद हैं। इन तमाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से बुलाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल वाज़े है, कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यद्उन मिन दूनिल्लाह, के मजहबी शख्सियात में से किसी को कोई बुरा भला न कहे। ख़ास तौर से अहले इस्लाम को मुखातब किया गया है कि आप किसी भी मजहबी तकद्दुसात को या मजहबी शख्सियात को बुरा भला न कहें। संगम ने तालुका के पठारी क्षेत्र के मालेगांव पठार गांव के अंतर्गत ढहवाड़ी क्षेत्र के रामेश्वर दरा के छात्रों को सड़कों की कमी के कारण स्कूल से अपना प्रमाण पत्र वापस लेना पड़ता है। एक तरफ जहां विकास की बात करते हुए सरकार आश्रय, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है, हालांकि आज़ादी के 70 साल बाद भी तस्वीर ये है कि रामेश्वर दरा विकास से कोसों दूर है। स्थानीय लोगों ने जनभागीदारी से सड़क का निर्माण किया ताकि उनके बच्चों को दिन भर काम करके शाम को घर आने के बाद ठीक से स्कूल पहुँचने में दिक्कत न हो। कई बच्चे इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर साल बारिश के मौसम में यह सड़क बदहाल हो जाती है और चलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोग चाहे कितनी भी बार अपने खर्चे पर इस सड़क की मरम्मत कर ले, क्योंकि यह सड़क वन विभाग की सीमा के भीतर है। इस सड़क के लिए प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत किए जा चुके हैं। साईनाथ धड़वाड़ ने गुस्से में पूछा है कि जब चुनाव आते हैं तो ये राजनीतिक दल रात में वोट पाने के लिए हमारे घर आते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। अंततः नाराज स्थानीय लोगों ने स्कूल से अपने बच्चों के प्रमाण पत्र वापस ले लिए और कहा कि वे अपने बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में दाखिला कराएंगे। मां नवई को नरेंद्र डुवर मी सै जाओ तो तव इधर ट्रंपल दो मां हाथ मोला पण नन्नी तन आला 3 महीने आले। साईनाथ दादोड बोलतोय, आम्ही मालेगाव पठार ग्राम पंचायत मध्ये मोडतोय रामेश्वर दरा।
आमच्या मुलांना धादोडवडी या ठिकाणी प्राथमिक शाळेसाठी जावा लागतो, पण जाण्यासाठी जो मार्ग आम्ही रस्त्याचा अवलंबला होता त्या रस्त्याची आता दुरावस्था झालेली आहे, आणि या दुरावस्थेतून आम्ही त्या फॉरेस्टमधून गेलेल्या रस्ता 3-2 ठरावाने तो दुरुस्त केला होता. आता त्याची गंभीर अवस्था झाल्यामुळं मुलांना धादोडवडीला शाळेला जाण्यास रस्ता योग्य नाही आहे, आणि हा रस्ता योग्य नसल्यामुळं आज मुलांचे दाखले आम्ही काढून आणलेत, आणि ते दाखले काढून आणल्यानंतर मुलांना आता परगावी शाळेत घालण्याची वेळ आमच्यावर आलेली आहे. आणि या कार्यकर्त्यांना आत्तापर्यंत जेवढे कार्यकर्ते आले एकही कार्यकर्ता या रस्त्याचा विचार करत नाही किंवा सरपंचही करत नाही. वारंवार त्यांच्याशी आम्ही चौकशी करत असताना त्यांनी आम्हाला उडावडीची उत्तरं दिली, आणि ही उडावडीची उत्तरं देत असताना प्रत्येक वेळेस त्यांनी बघू बघू म्हणता म्हणता या रस्त्यापर्यंत रस्त्याचा आतापर्यंत कुणीच विचार केलेला नाही. बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज. नमस्कार.